सो एब्डोमिनल कैविटी एंड पेरिटोनियम, ठीक है। एब्डोमिनल कैविटी में बाउंड्रीज देख लेते हैं। एंटीरियर वॉल है जो कि फ्लैट मसल्स का हो गया, एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, राइट। लैटरल वॉल जो होंगे वो फ्लैट मसल्स के होंगे, और लोअर जो होगा लाइक ये जो लोअर जो होगा वो इलियाक मसल और इलियम ऑफ हिप बोन। पोस्टीरियर वॉल देखो तो ऑब्वियसली वर्टिब्रल कॉलम, मसल्स एंड थोरेसिक लंबर फेशिया जो कि आपने बैक में पढ़ा होगा। रूफ, रूफ डायफ्राम का होगा, और फ्लोर इसमें होता नहीं क्योंकि वो पेल्विक कैविटी से लाइक कनेक्टेड है। अब नाइन रीजन्स ऑफ एब्डोमिनल कैविटी देख लेते हैं जो कि चार इमेजिनरी लाइन से बांटा हुआ है। राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, दिस इज एपिगैस्ट्रिक रीजन, अम्बिलिकल रीजन, हाइपोगैस्ट्रिक, राइट लंबर, लेफ्ट लंबर, राइट इलियक और लेफ्ट इलियक फोसा, ठीक है। या फोर क्वाड्रेंट्स भी एब्डोमिनल कैविटी की बेसिक है, राइट अपर, लेफ्ट अपर, राइट लोअर, लेफ्ट लोअर। अब यहाँ मेन आते हैं कौन कौन से ऑर्गेन दिखेंगे आपको। तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम जो यहाँ पे होगा वहाँ पे क्या क्या है, लीवर है और यहीं पे गॉल ब्लैडर है, राइट। एपिगैस्ट्रिक में क्या दिखेगा आपको, स्टोमक दिख रहा है, डियोडेनम दिख रहा है और यहीं पे पैंक्रियाज भी होंगे, राइट। ऐसा नहीं है कि लाइक एक ही रीजन में, जैसे लीवर थोड़ा लाइक एपिगैस्ट्रिक रीजन में भी जाता है, तो वो मेन जो देखना है। फिर लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में क्या क्या होंगे, यहाँ पे स्प्लीन होगा और लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर है, राइट। फिर यहाँ पे आ जाए अम्बिलिकल रीजन में अगर देखिएगा तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ से एरोटा भी जाता है और इन्फीरियर वेना के ऊपर भी, सॉरी एरोटा आता है और इन्फीरियर वेना के ऊपर जा रहा है यहीं पे। उसके यहाँ पे अगर लेफ्ट लंबर में देखिएगा तो लेफ्ट लंबर में लेफ्ट किडनी होगा, लेफ्ट यूरेटर होगा और डिसेंडिंग कोलोन होगा। आई एम सॉरी हियर लाइक एनाटॉमिकली लेफ्ट लंबर इज दिस एंड राइट लंबर, राइट किडनी, राइट यूरेटर और एसेंडिंग कोलोन, राइट। अब राइट इलियक में देखिएगा तो सीकम है और यहाँ पे अपेंडिक्स होगा, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट। हाइपोगैस्ट्रिक में यहाँ पे देखना है तो स्मॉल इंटेस्टाइन का कॉयल्स फुल रीजन में है, यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर आपको दिख जाएगा और यूरेटस भी दिखेगा। एंड लेफ्ट इलियक फोसा में यहाँ पे सिग्मोइड कोलोन है। हाइपोगैस्ट्रिक में आपको रेक्टम भी दिख जाएगा। अब आते हैं पेरिटोनियम में, तो इट इज़ अ थीन लार्ज सेरस मेम्ब्रेन विच लाइंस द एंटीरियर ऑफ एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी। एब्डोमेन और पेल्विक कैविटी को दोनों को लाइक जस्ट लाइक प्लूरा है, दो मेम्ब्रेन होंगे इसके भी, एक विसरल होगा एक पैराइटल पेरिटोनियम होगा, दोनों के बीच में ऑब्वियसली स्पेस होंगे जो कि फ्लूइड से भरे होंगे जो प्रोटेक्ट द इनर ऑर्गन्स, राइट। टू लेयर्स है यही, पैराइटल लेयर एंड विसरल लेयर। पैराइटल लेयर जो कि इंटरनल सरफेस ऑफ एब्डोमिनो पेल्विस वॉल्स पे होंगे, और विसरल लेयर जो कि फोल्ड्स बनाएंगे जो ऑर्गन के तरफ होते हैं। देयर इज अ डिफरेंस, ये आपको फुल मेड नोट्स पे मिल जाएगा आपको फुल नोट। सो दोनों का डिफरेंस है। अब मेन डिफरेंस आता है, एग्जाम से पूछ सकते हैं कहीं भी, मेल एंड फीमेल पेरिटोनियम में डिफरेंस। तो मेल में तो यूट्रस होगा नहीं, तो वो पेरिटोनियम लाइक ये आप देख सकते हो पैक होंगे। बट फीमेल पेरिटोनियम क्या है, यूट्रस आता है तो वो लाइक इनक्लोज सैक नहीं होके ये कम्युनिकेट करेगा नीचे में यूट्रस, वेजाइना, ये सबसे, राइट। मेन यही डिफरेंस है, दोनों मीसोथीलियम स्क्वामस एपिथीलियम से लाइक इसका जो लेयर है वो स्क्वामस एपिथीलियम दोनों में होगा, तो वो डिफरेंस है नहीं। मेन डिफरेंस यही है कि ये इनक्लोज्ड है और ये लाइक कम्युनिकेट करता है यूट्रस एंड वेजाइना से। दैट्स इट एब्डोमिनल कैविटी पार्ट टू में फिर मिलते हैं।